Good morning dear students, this is second part of lesson 5, bones and muscles. In the previous video we have discussed about bones and muscles na. Bones kya hai? The hard part of our body is called a bones and the soft part of our body is called a muscles. हमारे बॉडी में जो हार्ड पार्ट है वो हार्ड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं. जो सॉफ्ट पार्ट है वो सॉफ्ट पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? मसल कहते हैं ना. सो हमारे बॉडी में कितना बोन्स है? 206 बोन्स है. कितना मसल्स है? अबाउट 600 से भी ज़्यादा मसल्स हमारे बॉडी में है. ये बोन्स और मसल्स एक साथ काम करेंगे तो हमारे बॉडी को अच्छे से मूव कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन मूव आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ दिस बोन्स एंड मसल्स. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए ना. स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग अच्छे से कुछ काम कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते. सीधे गड़े भी नहीं हो. गड़े होने के लिए भी हम लोगों का बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, सो हम लोगों का बॉडी बोन्स और मसल्स को हम लोगों को अच्छे से रखना चाहिए. मतलब अच्छे से क्या है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर बोन्स एंड मसल्स. ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. हम लोगों को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए. ओके, एंड टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. ओके, सो हम लोगों को वी कैन रन, रनिंग, प्लेइंग एंड योगा, ऑल दीज एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज की वजह एक्टिविटीज हम लोग करेंगे तो क्या फायदा क्या है? हम लोगों का बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग हो जाए. ओके, स्ट्रांग बन जाए. ओके स्टूडेंट्स, एंड हैविंग हेल्थी फूड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग है ना. अच्छा खाना, हेल्थी खाना खाएंगे तो हेल्थी फूड खाएंगे तो क्या फायदा क्या है? हमारा बोन्स और मसल्स स्ट्रांग बन जाए. तो हम लोग दूध, ये जो दूध होता है ना, मिल्क होता है ना, ये मिल्क हमारा बोन्स के लिए बहुत अच्छा है. सो हमारा हम लोग डेली दूध कम से कम एक ग्लास या दो बार दिन में दो बार हम लोग को दूध पीना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट करेक्ट पोस्चर. करेक्ट पोस्चर, ये करेक्ट पोस्चर क्या है? पोस्चर क्या है? द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट स्टैंड और वॉक इज कॉल्ड अ पोस्चर. हम लोग जब खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब समय हम लोगों का बॉडी का पोजिशन होता है ना. पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्चर कहते हैं. हमेशा जब भी हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब हम लोगों का बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए. क्लियर? सो पोस्चर क्या है? द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट स्टैंड और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर. हमेशा हमारा बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो करेक्ट पोस्चर गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. सो अगर हमारा जो पोजिशन सही है तो, करेक्ट है तो क्या है, हमारा बॉडी को प्रॉपर शेप मिलेगी. जब भी हम लोग बैठने के समय ऐसे नहीं बैठने हैं, स्ट्रेट बैठने, हम लोग चलने के समय ऐसे नहीं चलना है, सीधा हमारा बैक हमेशा सीधा होना चाहिए. जब खड़े होते हैं तभी क्या है, सीधा हमारा बैक हमेशा सीधे. सो करेक्ट पोस्चर गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस किया? टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. लोग हमेशा एक्सरसाइज रेगुलरली हम लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, हेल्थी फूड खाना है और क्या है, प्लेइंग, रनिंग, योगा, ऑल दीज एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक्स. सो स्टूडेंट्स,